हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज है संडे, आप सबको हैप्पी संडे। आप पूछेंगे कि हैप्पी संडे क्यों? क्योंकि संडे ऐसा दिन होता है ना जिस दिन मैं क्या सारे लोग इंतज़ार करते हैं संडे। किसी को ज़्यादा सोना रहता है, किसी को पेंडिंग काम पूरा करना रहता है, और मुझे भी इंतज़ार रहता है क्योंकि संडे के दिन कुछ एक्स्ट्रा काम होती है ऐसी कि जो मैं आराम आराम से करके निपटाती हूँ अपना सारा काम। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सारी चीज़ों को मैं आराम आराम से करती हूँ और अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ। बाकी दिन तो फैमिली के लिए निकलता ही रहता है। तो आज मैं करूँगी अपना फेशियल और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। भाभी तो है नहीं, भाभी बच्चे सब लोग गए हैं नैनीताल घूमने के लिए। काफ़ी दिनों से प्रोग्राम उन लोग का हो रहा था पर क्लियर नहीं हो पा रहा था। दो दिन हो गए उन लोग को गए हुए। वो लोग वहाँ पर मस्ती कर रहे हैं और मैं आप लोगों के साथ लगी हूँ यहाँ पर। तो चलिए, मैं अभी जा रही हूँ किचन में, एक कप कॉफ़ी बनाऊँगी अपने लिए और आप लोगों से बातें करते करते पहले मैं ब्रेकफास्ट बना लूँगी, उसके बाद मैं फेशियल करूँगी अपना और लंच में आराम से बनाऊँगी। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपसे। देखिए, प्याज के पराठे के लिए मैंने लिया है इतना प्याज और हरी मिर्ची। मैं इसे चॉपर में डाल के और चॉप करूँगी अभी। फटाफट मैं नाश्ता निपटा लूँ, उसके बाद जो भी काम है मेरा मैं उसके बाद करूँगी। थोड़ा सा मोटा मोटा इसको काटना है क्योंकि ये सीधा नहीं चल पाएगा। आप इसमें लहसुन अदरक सारी चीज़ डाल सकते हैं, पर मैं नहीं यूज़ करूँगी। मैं सूखा मसाला डालूँगी और प्याज। ये थोड़ा सा बड़ा है ना, इस वजह से सारी चीज़ एक ही साथ आ जाते हैं इसमें। ये देखिए कितनी बारीक चॉप हुआ है। बस गैस चला के पैन चढ़ाऊंगी। चाउमीन बना रही हूँ। नहीं बेटा, पराठा। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा और रिफाइन ऑयल 2-3 चम्मच। गरम हो जाए उसके बाद मैं प्याज को इसमें डाल दूंगी। ये देखिए तेल गरम हो गया है, अब इसमें मैं डालूंगी प्याज। मैं इसमें से थोड़ा सा प्याज बचाऊंगी। इसमें हरी मिर्ची मैंने पहले ही डाल दिया था और गैस का आंच थोड़ा सा ज्यादा रखना है। ये देखिए प्याज भून गया है, इसमें मैं डालूंगी सारा मसाला सूखा, नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, थोड़ी सी गोल मिर्च। इसमें लास्ट में मैं डालूंगी 1 चम्मच बेसन ताकि ये जो चिपचिपा है वो सूख जाएगा। ये देखिए टेक्सचर तैयार हो गया है, इसमें मैंने धनिया पत्ता डाला है थोड़ा सा ऊपर से। गैस बंद कर दूंगी। देखिए पराठा मेरा लगभग तैयार हो गया है, ये बैठा है, जल्दी जल्दी मुझे बनाना है। मैं तो जा रही हूँ उन लोगों को ब्रेकफास्ट देने के लिए, आप ही कर लीजिए। कैसा लगा मेरा प्याज का पराठा? हेलो, नाश्ता वास्ता मैंने बना के सबको करा दिया। अब मैं आई हूँ अपना फेशियल करने के लिए। सबसे पहले मैं स्क्रब तैयार करूँगी। तो देखिए मैंने ये लिया है, दिख रहा है आपको, 4-5 बादाम। अब इसमें इसको अच्छे से मैं इसमें कूटूँगी बारीक से। हाँ, ये देखिए मैंने इसे कूट लिया है। आप इसे मिक्सी में भी कर सकते हैं पर इसे एकदम चिकना नहीं बनाना है क्योंकि हमें इसे स्क्रब के यूज़ करना है। और मैं इसमें डालूंगी एलोवेरा जेल। आप जेल भी यूज़ कर सकते हैं, ये पतंजलि का है, या फिर जो नेचुरल वाला एलोवेरा होता है, दोनों मेरे पास हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पर मैं इसमें डाल रही हूँ जेल अभी।
और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। ज़्यादा गीला नहीं बनाना है इसे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है और इसे मैं अपने चेहरे पर अप्लाई करूंगी। पहली बार की पहले बिंदी बिंदी हटा लूं, उसके बाद और इसे 5 से 10 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करना है, तेज नहीं, क्योंकि ज़्यादा अगर तेज करेंगे तो चेहरा छिलने का डर रहता है और हमें अच्छे से करना है, एकदम सॉफ्ट। अगर ये ज़्यादा सूखा है तो इसमें आप फिर से एलोवेरा जेल थोड़ा सा डाल सकती हैं, पानी या गुलाब जल कुछ भी। सर्कुलर मोशन में से करना है। अब गले वाले सब कर सकते हैं इससे 5 से 10 मिनट तक। देखिए ये सारा छूट रहा है। अब इसे मैं अपने लिप पे भी लगाई हूँ, देखिए सब निकल गया। आप इसे धो भी सकते हैं या फिर किसी भींगे हुए कपड़े से आप पोंछ भी सकते हैं। मैं आप लोगों को वही चीज़ बताऊंगी जो मैं अपने चेहरे पर अप्लाई करती हूँ, ताकि इसका कुछ नुकसान ना हो आपके चेहरे पर। मैंने लिया है पानी और एक कपड़ा हैंकी, इसे मैं इसे अच्छे से पोंछ लूँगी एकदम सॉफ्ट हाथों से। याद रहे कि आपको ये ना लगे कि आप जितना तेज करेंगी उतना तेज आपका चेहरा क्लीन होगा, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल छिल जाता है वो। एकदम सॉफ्ट हाथों से करना है इसे। देखिए पहली बार में ही बहुत फर्क आया है चेहरे पे। अब हमें तैयार करना है इसका क्रीम। चलिए पहले तैयार करते हैं। इस चम्मच से 1 चम्मच मैं लूंगी बेसन। थोड़ा सा कच्चा दूध, और याद रहे कि आप कच्चा दूध ही यूज़ कीजिएगा, बॉयल दूध बिल्कुल नहीं। 1 चम्मच ऐसे अच्छे से मिक्स करना है। मैं भी मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल ज़्यादा पतला नहीं करना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है इसे। ये देखिए रेडी हो गया। अब इससे हमें मसाज करना है मैक्सिमम 15 मिनट। पहले मैं ऐसे लगाऊंगी। मैं चारों तरफ मैं लगा लूंगी, उसके बाद मैं मसाज करना स्टार्ट करूंगी। अब ऐसे ऐसे आराम से आईब्रो, फोरहेड, नोज, ताकि जितने ब्लैकेट सब
पी जाए और निकलने में आसानी रहे। अगर ये सूखने लगा है तो आप इससे गुलाब जल या फिर एलोवेरा जेल या फिर जो भी है आपके यहाँ, या फिर ऑलिव ऑयल, फिगारो का जो तेल होता है वो, कुछ भी आप डाल के और इसे, लेकिन पानी ना डालें। मैं गला वाला सब लगा लेती हूँ ताकि चेहरे के साथ मैच कर जाए। बहुत लोगों का होता है कि चेहरा वाइट और गला बिल्कुल ब्लैक। ये मेरा सूख रहा है, थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी एलोवेरा जेल, उसी के साथ में देखिए ये सूख गया है बिल्कुल। अब मैं इसे पोंछ लूंगी पानी से, इसके बाद इसे मैं लगाऊंगी पैक। बिल्कुल हल्के हाथों से, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये मंथ में मैं 2 बार जरूर कर लेती हूँ ताकि मेरा चेहरा थोड़ा सा क्लीन हो जाए और कोई भी ऐसा चीज इसमें नहीं है जो नुकसान करे चेहरे को। ये तो बहुत फर्क लग रहा है अपने चेहरे को। अब मैं बनाऊंगी इसका पैक। उसके लिए मैं लूंगी 1 चम्मच इसी कटोरी में बेसन। ये देखिए, बेसन के बाद एलोवेरा जेल 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही लेना है। और ये है देखिए विटामिन ई की कैप्सूल, ये बहुत इजीली मार्केट में कहीं भी आ जाता है। एक इसको भी मैं इसमें डालूंगी। ये देखिए ये ऐसा होता है, बस इसे आप पंचर करें किसी तरह। बस चाकू है मैं इसको, और देखिए इसको इसमें जेल फॉर्म में आता है, इसको इसमें डाल दिए। और इसमें मैं डालूंगी, मेरा चेहरा थोड़ा सा ऑयली है, उससे मैं डालूंगी थोड़ा सा हनी 1/2 चम्मच, और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। जिसका चेहरा ड्राई है वो भी ये चीज लगा सकता है, और जिसका ऑयली है वो भी, दोनों चेहरों के लिए है। मैं सारी चीजों को एक साथ मिक्स करके और उसके बाद मैं इसे चेहरे पे अप्लाई करूंगी। अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश यूज कर सकते हैं, पर मैं तो इसे हाथ से ही लगा रही हूँ। कल से बच्चों की स्कूल खुल जाएगी, उसके बाद तो टाइम निकालना भी मुश्किल हो जाता है। जिसके नाक पे ब्लैक हेड्स हैं उसके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। इसे ये कोलगेट आता है, मैं इस पर लगाऊंगी क्योंकि मेरे नाक पे भी है, और मैंने ये पैक लगा लिया है, लेकिन उसके ऊपर से ही मैं लगा लूँगी इसे थोड़ा सा। और जब ये पैक मैं पोंछने लूँगी उस समय इसे ब्रश से रब करके और धो लूँगी।
इसकी स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत लोग ना पैक लगाने के बाद आँखों के ऊपर क्या बोलते हैं आलू या फिर खीरा लगाते हैं आँख बंद करके, तो मेरे से इतने देर आँख बंद करके मैं नहीं रह सकती। मैं रात को भी सोती हूँ तो मैं आँख खोल करके देखती हूँ कि कुछ हुआ तो नहीं है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम बचपन से ही है। 5 सेकंड या फिर 2-3 सेकंड के लिए आँखें बंद कर लूँगी वैसे ठीक है, लेकिन जब तक जगी हूँ तब तक तो आँखें नहीं बंद कर सकती। लगता है कुछ चीज़ छूट ना जाए मेरे से। ये पैक सूख गया है, मैं अब इसे पोंछ लूँगी अच्छे से। हो गया है करीब करीब सारा चीज़। वैसे तो निखार कल तक आएगा क्योंकि फेशियल के नेक्स्ट डे ही अच्छे से चेहरा समझ में आता है। अब एक मैंने पुराना टूथब्रश लिया है, इससे मैं अपने ये जो ब्लैकेट है इसे मैं थोड़ा सा रब करूँगी। सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया स्किन। अभी मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद नहाने के बाद। देखिए स्किन कितना क्लीन हो गया। अभी मैं जस्ट नहा के ही आई हूँ, सिंदूर लगाई हूँ, बिंदी लगाना बाकी है। बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है। एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपका स्किन ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी जस्ट मैं बिंदी लगा लूँ। आप लोगों से थोड़ी देर बाद नाश्ता वास्ता करके। कल से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। गुनगुन उसी तरह बहुत परेशान करती रहती है, उसको ना जल्दी सो के उठने की आदत ही नहीं है। दरअसल स्कूल भी काफ़ी लंबा समय तक बंद हो गया था और कल से बस बहुत लाइफ एकदम स्ट्रेसफुल होने वाली है। पर कोई बात नहीं, मैं तो संभल जाती हूँ। पर बच्चों के साथ क्या ये होता है ना कि उठाने पे मम्मी अभी नहीं, मम्मी थोड़ी देर बाद, मम्मी ऐसे मम्मी वैसे। मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं। आज दोपहर में मैं बोली थी गुनगुन की थोड़ी देर सो जाओ, पर वो सोने में ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं रखती है। देखिए गुनगुन का सेल्फी वाला पिक नहीं करो। हेलो बोलो, बोलो हेलो। क्या खाना है तुमको? केक। कल मिलेगा स्कूल से आओगी तो? नहीं स्कूल नहीं। क्यों? स्कूल की छुट्टी है। अच्छा नहीं, कल से स्टार्ट है तुम्हारा सेशन। कल से जाना है स्कूल। कल मम्मी बनाएगी केक और सबको दिखाएगी भी कैसे मम्मी केक बनाती है। ठीक है, मैं यहीं पे करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। तब तक के लिए बाय बाय। तुम भी बाय कर दो। बाय बोलो। कल मिलेंगे, शाम को मिलेंगे केक बनाने में। फिर गंगा दीदी आएगी तो हम लोग केक बनाएंगे। अच्छा गंगा दीदी आएगी तब बनाएंगे। और उसके लिए स्ट्रॉबेरी वाला केक चाहिए होगा। अच्छा, सबकी फ्लेवर सबको अलग अलग चाहिए। नहीं तुमको चॉकलेट चाहिए, उसको स्ट्रॉबेरी चाहिए, भैया को क्या चाहिए? भैया तो कुछ भी खा लेता है। नहीं इसको चाहिए, इसको चाहिए ब्लैक वाला, ब्लैक अच्छा। वाला केक मम्मी को पूछी नहीं ना कि बाय बाय।